बेबी इनर या बनियान, ये वन पीस है, इसमें कहीं भी सिलाई नहीं हुई है, सुंदर है, आसान है और लगभग 100 ग्राम ऊन में बन गई है। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम ये बच्चों की, छोटे बच्चों का बनियान या इनर, इसकी बात करेंगे। ये 6 महीने तक के बच्चे की बनियान है और ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे की बनियान है। बहुत सुंदर है, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसको हम वन पीस बनियान कह सकते हैं, इसमें कहीं सिलाई नहीं है, सिर्फ ये ऊपर जो मुड्ढे हैं ये बंद करे गए हैं, उसके अलावा इसमें कहीं सुई से सिलने का काम नहीं हुआ है। और ये जो यहाँ पर आप कोई भी बुनाई डाल सकते हैं, जैसे ये केबल का डिज़ाइन डाला है या इस तरह के डिज़ाइन शारदा निटिंग चैनल में है, उनके लिंक्स हम दे देंगे। अभी हम इसके साइज की बात करते हैं। ये हमने शुरू किया फंदे डालकर, बुनाई में फंदे कैसे डालें इसका भी हमारा एक वीडियो है, और सीधा उल्टा कैसे बुने इसका भी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, उनके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 100 फंदे डाले हुए हैं। 100 फंदे डालने के बाद हमने ये 4 सलाइयाँ, थोड़ा सा बॉर्डर जैसा बुना है, उल्टे की हैं, ये सब कुछ उल्टा उल्टा बुना गया है। और ये डिज़ाइन भी हम एक अलग से वीडियो में बता देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये वीडियो लंबा ना हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। उसके बाद एक ऑल का बटन आता है, उसको सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये हमने 100 फंदे डाले, और 100 फंदे डालने के बाद, ये 4 सलाइयाँ बुनने के बाद, फिर हमने ये बुनाई डाली है। ये बुनाई 11 फंदे के बाद में डाली गई है, और 8 फंदों की ये बुनाई है टोटल। तो इस तरह से 11 के बाद में ये 8 फंदे इधर हैं, और दूसरी साइड में भी ये 11 फंदे छोड़कर फिर ये 8 फंदे बुनाई के हैं। यहाँ पर ये हमने काज करे हैं। तो ये सब करते हुए हम 100 फंदों को लेकर हमने जो बुनाई शुरू करी थी, तो ये 64 लाइनें हमने बुन ली हैं, 64 सलाइयाँ बुन ली हैं हमने। तब हमको ये 32 किनारी जो ये दिखाई देती है, ये हमको 32 धारियाँ तब दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद हम इसको, इसका ये बंटवारा जैसे करेंगे, तो इसमें 2 तरीके हैं। एक में यहाँ पर हमने ये थोड़े से फंदे घटाए हैं, और यहाँ पर हमने घटाए नहीं हैं, सिर्फ इसको हमने बांट दिया, आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले को अलग कर दिया। तो ये हमारी चॉइस है, हमारी इच्छा है, लेकिन हम आज यहाँ पर थोड़े से फंदे घटाकर फिर हम बुनकर दिखाएंगे। तो ये हमारे 100 फंदे हैं, और ये हमने 8 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे हैं, डबल ऊन से ये हमने फंदे डाले थे शुरू में। वो हमारा फंदे कैसे डालें वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम ये शुरू के 21 फंदों को बुनेंगे। तो 21 फंदे हमको ये उल्टे बुन रहे हैं हम। जब ये हमने इसको बांटा है, उसके बाद डिज़ाइन ऊपर नहीं गया है, तो अब हमको सिर्फ ये उल्टा उल्टा बुनना है। 21 स्टिचेस बुनने के बाद अब हम 8 फंदे घटाएंगे। इनको हमने ये लिया और इस तरह से ये 1, 2, इस तरह से हम 8 फंदे जो हैं 8 बार घटाने वाले हैं। ये 8 बार हमारे फंदे घट गए हैं। अब हम आगे 42 फंदे हमको बुनने हैं, 42 स्टिचेस बुनने हैं। एक ये है हमारे पास, और इसको मिलाकर हमको 42 स्टिचेस, ये हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधा नहीं बुनना है हमको, ये उल्टा उल्टा ही हमको सारा बुनना है। तो ये हम यहाँ पर 42 स्टिचेस हमको बुनने हैं, 42, 42 स्टिचेस हमने ये पीछे के हिस्से के बुन लिए। अब हमको फिर से 8 फंदे घटाने हैं,
ये मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना है गैप, इसलिए मैं 8 घटा रही हूँ, आप 6 भी घटा सकते हैं, ये सब थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। तो ये यहाँ पर 8 बार हम घटाएंगे, ये 8 बार घटा दिया, तो हमारा ये जो दोनों तरफ का ये मुड्ढा घट गया है, और ये 3 पल्लों में, 3 हिस्सों में हमारे फंदे बट गए हैं। अब ये हमारे इधर 21 फंदे रह गए हैं, 21 फंदों को अब हम बुनेंगे, और पहले ये जो फ्रंट का ये वाला हिस्सा है, इसको अब हम फाइनल ऊपर तक बुनेंगे। उसके बाद हम फिर बाकी दोनों हिस्सों में ऊन जोड़कर और फिर उनको ऊपर तक बुनेंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसान बुनाई हो जाती है। ये पूरा हमने उल्टी उल्टी सलाइयाँ ही बुनी हैं, ये फ्रंट से भी हमने उल्टा बुना है, और अगली सलाई में जब हम आएंगे लौट कर तो हमको काज बनाना है, वो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये 21 फंदों को हम ये बुन रहे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जब हमने ये घटाया है, यहाँ से अलग किया है, तो उसके बाद हमको ये कुछ सलाइयाँ बुननी हैं। तो ये 12 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, 24 सलाइयाँ हमको इनकी बुननी हैं, उसके बाद ये फिर हम गला बंद करके और ये ऊपर का मुड्ढा ले जाएंगे। तो इस तरह से ये अभी हमको सिर्फ प्लेन उल्टा उल्टा बुनते हुए 24 सलाइयों को बुनना है दोनों तरफ से। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो पूरे देखा करें और सारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बैल दबाएं, उसके बाद ना एक ऑल का बटन आता है उसको सेलेक्ट करें, उससे आगे आने वाले जो नए वीडियोस होते हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस को देख सकेंगे। ये जैसे हमने यहाँ काज बनाना है अभी, तो ये हम यहाँ पर आकर 2 फंदों को हमने एक साथ जोड़ा बुना, फिर ऊन लपेटी एक बार, और ये 4 फंदों को फिर हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से ये 4 फंदों के बाद हमने काज बनाया है थोड़ी दूरी पर, और अब जब हम इसको दूसरी तरफ से बुनते हुए आएंगे तो जो हमने लपेटा था, यार्न ओवर किया था, वो हमारा फंदा बन के और यहाँ पर एक अच्छा सा काज बन के ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जब काज बनाना होता है तो उसको हमें उसकी जगह याद रखनी पड़ती है, थोड़ा पिन से, मार्कर से कुछ निशान लगा लीजिए तो वो ठीक रहता है। ये हमने लास्ट का काज बनाया और ये हमारी धारियाँ पूरी हो गई हैं। अब हमारे 21 फंदे हैं, इन 21 फंदों में से हम 11 फंदे को घटा देंगे जिससे कि हमारी गले की शेप आ जाएगी, और 10 फंदे हम ऊपर ले जाएंगे मुड्ढे के लिए। तो इस तरह से ये 11 फंदे हम घटाएंगे। और ये 11, 11 स्टिचेस हमने बंद कर दिए हैं। अब ये बचे हुए 10 फंदों को हम बुनेंगे। तो एक तो बच्चों का जो स्वेटर बुनते हैं, इनर वगैरह, वो थोड़ी सॉफ्ट ऊन लेनी चाहिए, और जैसे हम यहाँ 8 नंबर पे बुन रहे हैं, थोड़ा ढीला ढीला बुना होने से अच्छा रहता है, और ब्राइलोन या बेबी वूल या एक माइक्रो, ये ऊन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी और ऊन हो सकती है, तो वो सब आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब ये हम ऊपर मुड्ढा बुन रहे हैं, तो इसकी लंबाई आपको जितनी रखनी है या तो आप उतना बुन सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये 24 सलाइयाँ बुनी हैं, ये 12 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एक बार इसका नाप लेकर आपको और दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो हम 1 साल तक के बच्चे की बनियान बना रहे हैं उसकी कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई लगभग 11 इंच आ रही है, और जो इसकी चौड़ाई है ये 8.5 इंच के करीब है। जो मुड्ढा घटा है, मुड्ढे से नीचे ये 6.5 इंच के करीब है। तो इस तरह से अगर आप ये मुड्ढा और छोटा करना चाहते हैं तो आप ये नीचे का पोर्शन बड़ा कर सकते हैं, मुड्ढा छोटा कर सकते हैं,
ये सब आपकी चॉइस है। ये 4 इंच के करीब का मुड्ढा है, तो ये हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हम फेर बदल कर सकते हैं। अभी हम ये मुड्ढा बुनकर फिर आपको दिखाते हैं कि पीछे के पल्ले में हमें क्या करना है। ये हमने दोनों पट्टियाँ बुन ली हैं, जैसे राइट और लेफ्ट दोनों को एक जैसा ही बुनना है। सिर्फ इसमें ये काज बनाया गया है, लास्ट में हमने ये काज बनाया है। तो जो हमारे फंदे बाकी बचे थे उन फंदों को हमने ये पीछे का पल्ला बुना है। इसमें थोड़ा सा जो अंतर है, जो आप ध्यान दीजिए कि आगे का जो हिस्सा है ये 4 सलाई ज़्यादा बुनी गई हैं, 2 धारियाँ इसमें एक्स्ट्रा हैं पीछे से। पीछे वाले पल्ले में 2 धारियाँ मतलब 4 सलाई कम बुनी गई हैं। और अब हम इसको उल्टा करके इनको जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा 1 पीस है, ये पूरा 1 पीस है। और अब हम इसको इस तरह से उल्टा लेंगे और दोनों ये मुड्ढे के फंदों को हम जोड़ेंगे। तीसरी सलाई की मदद से ये 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर अगले 2 फंदों को एक साथ बुनना है। ये हमारे 10 फंदे हैं, तो इस तरह से बुन के ये इसके ऊपर से इसको उतार रहे हैं। ये लास्ट का फंदा हमने बंद किया। अब जो ये आगे के फंदे हैं, यहाँ तो हमने दोनों तरफ मिलाकर बंद किया है। अब ये बीच के जो गले के फंदे हैं ना, इनको हमें बंद करना है। और फिर जो दूसरी साइड के 10 फंदे हैं, इनके साथ हमको इस वाले पट्टी को मिलाकर बंद करेंगे। और जो ये पीछे का पल्ला 4 सलाई छोटा रखा गया है, क्यों रखा गया है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अभी तो हम ये बीच के जितने भी हमारे फंदे हैं इनको हम बंद करते हैं। ये हमने बीच के फंदे बंद कर लिए। अब ये दोनों तरफ के 10-10 फंदे रह गए हैं आगे पीछे के, इनको हम मिलाकर फिर अब हम बंद करेंगे। जैसे हमने राइट साइड में बंद किया था उसी तरह से ये हम बंद करेंगे। ये लास्ट में सारे बंद हो गए हैं, फिर ये हमने ऊन को इसमें से निकाल के इसको बंद कर दिया। अब ये जो पीछे का पल्ला थोड़ा छोटा रखा गया था 4 सलाई, तो उसका ये फ़ायदा है कि ये जो पीछे इस तरह से ये थोड़ा जैसे पीछे के गले में ना जो शेप दी जाती है, जैसे अब ये शेप अपने आप नेचुरल तरीके से आ गई, एकदम ये सुंदर हो गया और ये पहनने में भी आरामदायक है। और इस तरह से ये छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर हम आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत के ये सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये दोनों जो बुनाइयाँ हैं बेहद ही आसान हैं, इन दोनों बुनाइयों का हम एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।